पीछे रहा इंडिया गेट और अब पेट पूजा करने जा रही हूँ। सामने कुछ अच्छे अच्छे खाने की चीजें दिख गई हैं। एंटर करी थी मुझे दिख गया भेलपुरी, मैं अपना भी बना लूंगी भाई, मैं भी आई हूँ। अच्छी खासी भीड़ है यार, क्योंकि मैं लेट से ही आई थी, 9 बज चुके थे। मैं चांदपुरी गौर नगर ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रही हूँ कैब का, बज रहे हैं रात के 10:30। वेलकम बैक अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल गाइस। और मैं आ गई हूँ दिल्ली के इंडिया गेट, और आते ही आते जैसे ही एंटर करी थी मुझे दिख गया भेलपुरी, तो मैं कैसे सोचा मैंने कैसे मिस करूँ, तो भेलपुरी पहले खाते हुए फिर जाएंगे इंडिया गेट, तो पहले भेलपुरी खा लेते हैं। सबसे पहले घुसते घुसते मुझे भेलपुरी दिख गई, तो मैंने कहा मैं भेलपुरी खा लेती हूँ। पीछे रहा इंडिया गेट और अब पेट पूजा करने जा रही हूँ। सामने कुछ अच्छे अच्छे खाने की चीजें दिख गई हैं। भेलपुरी के पास देखते क्या खाते, इतना अंधेरा मत देखो आप लोग, इंडिया गेट देखो तो कितना सुंदर है। कौन क्या बोला? अच्छा अंधेरा है, पर यहाँ फोटोज अच्छी आती है, पर बहुत अंधेरा है काफी। ये है इंडिया गेट के पास का, ये इंडिया गेट के पास का लोकेशन। मेरे को पानी देख के फूट भी मारने का मन कर रहा है नहाने के लिए। वाह ये है, ओ सॉरी इंडिया। क्या तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट, क्योंकि आप ऊपर से नहीं जा सकते हो, सीधे हम यहाँ से निकलेंगे इंडिया गेट। ये इसकी सो क्या बोलते कॉरिडोर, कॉरिडोर है ना, तो ये अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड रास्ता है ये जाने के लिए। ये सारा भी यहाँ पे बताया गया है। नहीं सॉरी, गार्डन एंड द पीछे गार्डन है पूरा, उधर भी है आप देख सकते। मैं अपना भी बना लूंगी भाई, मैं भी आई हूँ। मौसम बहुत ठंड हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत ठंडी है, इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया है। और बस अभी 9 बज रहे हैं, मेरा मन नहीं था इतनी रात को आने का, मैं और शाम को पहले आना चाहती थी, बट थोड़ा कुछ ऐसा हो गया था कि थोड़ा लेट हो गया आने में, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं हुआ था बट हो गया लेट आने में, तो अभी आई हूँ। तो बट फटाफट से देख के निकलेंगे यहाँ से। ये देखो सामने ही है, अच्छा इधर तुम आई। ये रहा सामने इंडिया गेट, भीड़ तो है यहाँ यार, अच्छी खासी भीड़ है, कम भीड़ है बट मैं अच्छी खासी भीड़ है यार, अच्छी खासी भीड़ है। कितना सुंदर लग रहा है, वाओ व्यू लोकेशन सब मस्त, बहुत सुंदर। मैं चारों तरफ से देखो निरीक्षण कर रही हूँ, निरीक्षण क्या कर रही हूँ, ये स्मारक है एक्चुअली जो शहीद हुए हैं उनकी याद में, सारा ये मेमोरेबल है। अब अच्छा आप इधर से भी देख सकते हो, देखो यार मेरी, देखो मैं अपने हाइट के हिसाब से उठा पा रही हूँ। सामने वो सामने भी स्टैचू बनी हुई है, और वो चांद कितना प्यारा लग रहा है,
तो मैं जूही सिंह दिल्ली से लाइव कर रही हूँ ब्लॉगिंग। अरे आप लोग सब पूछे तो मेरे प्लान बना था मेरा घूमने उमने का और भी बहुत कुछ सरप्राइज। इसी के साथ तो 10 बज चुके हैं तो इसलिए सिटी मारा जा रहा है जाने के लिए। हाँ क्या तो 10 बज चुके हैं तो सबका जाने का वक्त हो गया। मैंने वीडियोस बना रही थी इसलिए मैं ब्लॉगिंग थोड़ा कम कर पाई बट फोटोज वीडियोस में थोड़ा जल्दी थी क्योंकि मैं लेट से ही आई थी। 9 बज चुके थे इस तरफ। क्या है इस तरफ? इस तरफ ओके यहाँ से घूमते घूमते जाना है। ठीक है ये रहा इंडिया गेट और चांद देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये था ब्लॉग मेरा इंडिया गेट आई थी सोचा इसका भी ब्लॉग बना ही लेते हैं। ठंडा है बट अच्छा है चारों तरफ का व्यू पर भीड़ अच्छी खासी थी। अभी तो बंद हो गया है 10 बजे पर आप वहाँ नहीं जा सकते हो। मेन एकदम सड़क के उस तरफ रोड के उस तरफ आप नहीं जा सकते। रोड के इस तरफ आप रह सकते हो। रात के 10 बजे के बाद शायद उधर बंद कर दिया था क्योंकि मैं अभी वहाँ पे थी तो वहाँ पे बंद कर दिया गया था। तो इस तरफ आप आकर के फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हो क्योंकि थोड़ा यहाँ से दूरी बढ़ जाती है इसलिए। और ये चाँद देखो मैं चाँद को रिकॉर्ड ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस अच्छा था यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है बट जाना पड़ेगा क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है तो अब चलते हैं। रात ज़्यादा हो रही है तो अब चलना पड़ेगा तो अब चलते हैं। देखो मून कितना अच्छा आ रहा है। तो मेरा पूरा ट्रिप बड़ा अच्छा था बहुत ही अच्छा था पूरा ट्रिप काफ़ी मज़ा आया मैंने काफ़ी इंजॉय किया। तो अब जा रहे हैं और क्या ही बोले बस बहुत अच्छा लगा घूम के और फाइनली इंडिया के ड्रिल भी बना लिए मैंने 2-3 और क्या ही बोलूँ अच्छा है मौसम ठंडा है और बस। और क्या दिल्ली का स्ट्रीट फूड बहुत टेस्टी था यार मैंने भेलपूरी खाया वो भी बहुत टेस्टी था सब कुछ बहुत टेस्टी था। यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रही हूँ कैब का। बज रहे हैं रात के 10:30 बजे दिल्ली में घूम रही हूँ 10:30 बजे परमिशन लेके घूम रही हूँ डोंट वरी मम्मी पापा से। बस आज ही नहीं तो मैं दिल्ली में 6-7 बजे तक होटल चली जाती थी बट आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इंडिया गेट आना था और थोड़ा सा बहुत थक गए थे इतने दिन से चलते चलते तो आज थोड़ा रेस्ट ले रही थी तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया आने में बट ठीक है एक दिन चलता है बट अभी पहुंच जाएंगे फटाफट से। कैब बुक हो रही है जल्दी करिए आप लोग बुक कैब। तो बुक हो रही है कैब वैसे वहाँ पर सारे लोग अभी भीड़ ऐसा नहीं है कि नहीं भीड़ है वो देखो सात लोग वहाँ खड़े हैं दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं। ओके सॉरी ये देखिए तो पर मैं यहाँ खड़ा थी क्योंकि यहाँ पे ही मेरा कैब वाला छोड़ के गया था तो यहीं से कैब बुक करी ताकि कैब वाला यहीं आ जाए। आ जाएगी कैब। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई आप इसके सीधे देख रहे हो ये जो सीधा ये राष्ट्रपति भवन जाता है ये सीधे एकदम तो ये राष्ट्रपति भवन जाता है। मेरा कैब आ गया क्या कर्तव्य पथ है ये और ये सीधे राष्ट्रपति भवन आप सीधे राष्ट्रपति भवन जा सकते हो जो बंद है जाने मिलेगा भी नहीं। और इस तरफ है इंडिया गेट तो एक अपोजिट साइड इंडिया गेट है और उसके अपोजिट साइड राष्ट्रपति भवन है। ये है मान सिंह मार्ग और ये रोड दोनों। तो कैब मिल गई है मैं कैब में बैठ गई हूँ तो ओके चलो बाय बाय गुड नाइट।
अब मैं घर जा रही हूँ, तो मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ, तो बाय। मैं वापस आ रही हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर, और मैं जा रही हूँ कोलकाता वापस। बहुत छुट्टियाँ मना ली, बहुत घूम लिया, सो फाइनली मज़ा आ गया। ऑलमोस्ट मैं लगातार 8 महीने से घूम ही रही हूँ, तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ अब आराम से घर पे रहूँगी, क्योंकि बहुत घूम लिया यार। तो फाइनली मैं घर जा रही हूँ। तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं 4-5 दिनों से सोई नहीं हूँ, इधर उधर भागम भागी। तो बहुत लंबी छुट्टी चल गई, दिल्ली घूमा, बहुत जगह घूमा, तो बस अब घर जा रही हूँ। और एक प्लान है, वो 2-3 दिन बाद का है, तो फिर बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ मैं, उसकी भी ब्लॉग आएगी, आप देखना। तो ठीक है, अब मैं फ्लाइट में बैठूँगी और उड़ चलूँगी घर। 5 बजे है सुबह के, 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं 2 घंटा पहले ही आ गई हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना, फ्लाइट व्लाइट छूटे। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन। बाय बाय, गुड नाइट। हो गया, पीछे दिखा दो, इंडिया गेट की।